बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सॉरी कुबलाई खान, बायस्टी कॉलेज। कुबलाई खान, कोबला खान इज रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। कुबलाई एंड पर आई ई, कुबलाई ए आई, यू हैव टू प्रोनाउंस इन दिस वाई, कुबलाई खान। छोटा सा ए आई क्या आपने साउंड देनी है, कुबलाई खान। एक्चुअली एसटी कॉलेज वाज इल एंड ही हैज आल्सो टेकन अ लॉट ऑफ ऑफिन एंड बिफोर स्लीपिंग ही वाज रीडिंग अ बुक परचेज टू पिलग्रिमेज। दैट वाज अ ट्रेवलॉग, एक्चुअली सफरनामा था, इन समवेयर इन चाइना नियर अबाउट मंगोल, टेरिटरी वॉज ओवर देयर, ये खत्ता था। सो गया, जब सोया है तो ख्वाब देखा है, विजन जब देखा है, जब उठा है तो उसको फिर लिखना शुरू कर दिया। पोएम लिखने से शुरू कर दी, पोएम के तकरीबन इस पोएम के जो हमारे सामने है, जब तकरीबन इसके लास्ट पार्ट में पहुंचा है, पता नहीं उसका ड्रीम कितना लॉन्ग था और उसने क्या लिखना था, वो किस मूड में जा रहा था कि एक दोस्त आ गया उससे मिलने के लिए और टाइम वहां पर वेस्ट हो गया। जब वापस आया तो एसटी कॉलेज का कहना ये है कि आई हैव नॉट सच अ विजन, सच अ रिदम जो मेरे पास थी। देन उसे पोइम को पॉज देकर, फासा देकर, एक पॉज वक्फा देकर पोइम का एक्साम एक दूसरी तरह से कर दिया है। जब ये कर दिया, जब पोइम का थीम ये बनता है, पोइट असल में ये कहना चाहता है कि एक बार मैंने ख्वाब के अंदर एक दोशीजा देखी है, हु वाज सिंगिंग अ सॉन्ग, और वो डोल सिमर भी बजा रही थी। अपना एक डोल सिमर इस तरह करके दो डंडियों के साथ बजाया जाता है, ऐसा डोल सिमर बजा रही थी और वो एक गीत भी गा रही थी एक पहाड़ के बारे में। वो रिदम बहुत स्वीट थी, बहुत अच्छी थी, इतनी अच्छी रिदम थी कि अगर मैं उस रिदम को रिवाइज कर लूं तो मैं जैनाडू जो सिटी है, जैनाडू जो प्लेस है, जो कि रंगीनियों से भरी हुई है, जो कि सब्ज वादियों से भरी हुई है, जहाँ पर खुशबूदार दरख्त हैं, जहाँ पर केव्स ऑफ आइस हैं, जहाँ पर एक बहुत बड़ा कुबलाई खान का डोम भी है, प्लेयर डोम इशरत कदा भी है, वो सारा का सारा सीन मैं उठाकर फिजा में खड़ा कर दूंगा। ही इज ओनली टेलिंग द पावर ऑफ द सॉन्ग, उस गीत की रिदम की ताकत बता रहा है कि वो गीत इतना अच्छा है कि अगर वो गीत को मैं सिर्फ रिवाइव कर लूँ अपने माइंड के अंदर, तो मैं सारा का सारा एक स्ट्रक्चर, एक पूरा का पूरा वैलीज से भरा हुआ एक इलाका मैं फिजा में खड़ा कर दूंगा। दैट इज द पोएम एक्चुअली नाउ। ओके, नाउ व्हाट ही विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल ही विल डिस्कस जेनेडू। वो कहेगा जेनेडू एक प्लेस है जो चाइना में या चाइना की टेरिटरी में यहीं कहीं किसी जगह पर मौजूद है। जैनाडू के अंदर एक बहुत मुकद्दस दरिया बहता है, वहाँ पर कदीम तरीन निशंत वहाँ पर फॉरेस्ट हैं, वहाँ पर माउंटेन्स हैं, और वहाँ पर खुशबूदार दरख्त हैं, वहाँ पर बल खाती हुई नदियाँ हैं, वहाँ पर सूरज की धूप पूरी पूरी पड़ती है और सब्जे के कतात हैं जो रोशन उताबा हैं, और वहाँ पर एक पहाड़ की ढलवान पर एक शगाफ है, उस शगाफ में से एक बहुत बड़ा फौरा निकल, उस शगाफ में से एक बहुत बड़ा चश्मा निकलता है, चश्मा बहुत माइटी है, उस चश्मे के दरमियान में से एक फौरा निकलता है, फौरे के अंदर से पत्थर के टुकड़े उछलते हुए नजर आते हैं, क्योंकि ये पूरा चश्मा पहाड़ के हॉर्ड में से आ रहा है, तो वहां से पत्थर भी साथ लेकर आ रहा है, और ये पत्थर ऐसे ऊपर की तरफ उठ रहे हैं जैसे कि जमीन पर कोई ओला गिरकर ऊपर उठता है। इस मुकद्दस दरिया, इन सब्जे के कतात के साथ कुबलाई खान ने एक इशरत का तमीर कराया था, ऐश इशरत का एक महल तमीर कराया था, जैसे उसने प्लेयर डोम कहा है। उस प्लेयर डोम के साथ दिलचस्प बात यह है कि इस प्लेयर डोम के ऊपर सूरज की रोशनी धूप पड़ रही है, ये धूप से ब्लेज कर रहा है, एट द सेम टाइम उसके साथ बर्फ से ढकी हुई गारे हैं बड़ी बड़ी, तो ये एक स्ट्रेंज कम्बिनेशन है, एक तरफ बर्फ से ढकी हुई गारे, साथ धूप से चमकता हुआ इशरत कदा, ये साथ साथ दोनों चीजें रेयर मिलती हैं। तो वो कहता है कि ये सारा सीन है और इस सारे सीन को मैं फिजा में खड़ा कर सकता हूँ अगर मैं उस एबिसिनियन गर्ल के उस सॉन्ग की रिदम को सिर्फ रिवाइव कर सकूं। दैट इज अ पोएम, क्लियर।
आई हैव रेड फ्रॉम मैनी टीचर्स, बहुत से टीचर्स से मैंने पढ़ी है ये पोएम, मुझे इत्तफाक हुआ दो तीन टीचर से पढ़ने का, बट दे वर अनअवेयर अबाउट द एक्चुअल पॉइंट ऑफ द पोएम, पोएम का एक्चुअल पॉइंट कहाँ है, कि वो पोएम को स्टार्ट कर रहे हैं एंड कर देते हैं ये पता नहीं चला। मैंने टीचर से पूछा, मैंने कहा सर पोएम है क्या, उसने कहा सिर्फ और सिर्फ ये सीन है, पोएम में कोई प्लॉट नहीं, हालांकि इस पोएम में एक छोटा सा प्लॉट मौजूद है। असल में ये प्लॉट जो उसके पास आया है ये अपने दोस्त से इम्प्रेस होकर प्लॉट लिया है उसने एंड पर, वो सुलेटरी पर जो उसने लिखी थी उसमें उसने यही कहा था कि यहाँ पर एक गीत गाने वाली लड़की है, बहुत कमाल गीत गाती है, मैं कहता हूँ कुकू बर्ड से भी अच्छा गाती है, मैं कहता हूँ कि वो नाइटिंगेल से भी ज़्यादा अच्छा गीत गा रही है। नाउ सेम इज द केस, उसने भी कहा लड़की गीत गा रही है, लेकिन इस गीत को अगर मैं रिवाइज कर लूँ तो मैं फिजा के अंदर एक पूरा सीन क्रिएट कर सकता हूँ। लेट्स सी, कुबलाई खान, ही वॉज अ ग्रैंड सन ऑफ गंगेज खान, चंगेज खान का ग्रैंड सन था कुबलाई खान। इस पोएम के अंदर क्या क्या है, इस पोएम के अंदर ड्रीम लाइक इमेजरी है, इसके अंदर फैंसी वर्क किया गया है, और इसके अंदर म्यूजिक है, मैजिक है, इसके अंदर विचरी है, यानी कि चुड़ैलों जैसी कोई इसके अंदर एक खौफ और आस पाया जाता है, वर्बल मेलोडी बहुत ज़्यादा है, रोमांटिक है पोएम, और पोएट की डिस्क्रिप्टिव पावर को शो करती है ये पोएम। जिस वक्त वो एक बुक पढ़ रहा था जिसका नाम परचास्ट पिलग्रिमेज है, उस वक्त समर थी और ये 17 ये समथिंग ओके बहुत पहले इन ज़ेनाडू, ज़ेनाडू में डेड कुबलाई खान, कुबलाई खान ने दिया आ स्टेटली पलैया डोम डिक्री, आ स्टेटली एक शहाना पलैया डोम इशत कदा डिक्री हुक्म। ज़ेनाडू के अंदर कुबलाई खान ने एक शहाना इशत कदा तामीर करने का हुक्म दिया, वेयर एल्फ द सेक्रेड रिवर रैन, जहाँ पर एक मुकद्दस दरिया एल्फ बहता था, थ्रो थैवंस जो गारों में से निकलता था, मयलस्टमैन और वो गारें इंसान उनको पेमैश भी नहीं कर सकता, यू आर वॉचिंग ही इज क्रिएटिंग मिस्ट्री ओवर देयर, यहाँ मिस्ट्री क्रिएट कर रहा है, एक नेचुरल चीज़ को सुपर नेचुरल बना रहा है कि वो केव्स ऑफ आइस तो हैं लेकिन मिस्टीरियस इतनी है कि उनकी पेमैश एक इंसान कर ही नहीं सकता, मयलस्टमैन डाउन टू अ सनलेस सी, और ये दरिया गुजरता हुआ एक तारीख समंदर में जाके गिरता है, तारीख समंदर, सी इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर बट सनलेस सी दैट इज समथिंग नेचुरल इज गोइंग टू बी सुपर नेचुरल, सो ट्वाइस 5 miles ऑफ फर्टाइल ग्राउंड। मेलोडी चेक करें और ये देखें कि मिस्ट्री को कायम रखने के लिए उसने वर्बल रिदम ऐसी जोड़ी है जो मिस्टीरियस होगी है, ये लाइन वर्बली मिस्टीरियस है, हालांकि वो कह सकता है द एरिया ऑफ 10 miles, उसने 25 miles वर्बल मिस्ट्री कैम कर दी उसने ताकि टून कैम रहे उसकी, सो 25 miles यानी कि 10 miles का इलाका ऑफ फर्टाइल ग्राउंड जो इंतज रखेज था विद वॉल्स एंड टावर्स वर गिर्डल्ड राउंड, उसको दीवारों के साथ और मीनारों के साथ से गिर्डल घेर लिया गया चारों तरफ से, एंड देयर वर गार्डन्स ब्राइट विद सीनियस रिल्स, और वहां पर दमकते हुए गार्डन से जिनके अंदर सीनियस जिनके अंदर बल खाती हुई रिल्स नदियां थी। अब ये सीन कितना प्यारा है कि धूप वहां पर चमक रही है, सबसे किताब लश ग्रीन है, और उस लश ग्रीन कताब के अंदर नेचुरली वहां पर नदियां मौजूद हैं जो इंतहाई वाइट होंगी, और वो चांदी उबलती हुई नदियां उसके अंदर से बल खा रही है, वेरी ब्यूटीफुल सीन, वे ब्लोजम्ड मैनी एन इंसेंस बेरिंग ट्री, और जहां पर बहुत सारे खुशबूदार दरख्त जो हैं, इंसेंस खुशबू बेरिंग बर्दाश्त यानी कि खुशबू रखने वाले दरख्त जो हैं वहां पर ब्लोजम्ड वहां पर फलते फूलते रहते थे। नाउ वी हैव लिसन दैट देर आर सम प्लांट्स आर ओवर देयर विच आर इन सेंस बेरिंग, लेकिन यहाँ पर ट्रीज है जो इन सेंस बेरिंग है,
खुशबूदार दरख्त हैं, खुशबू उगलने वाले दरख्त मौजूद हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी बोल्ड आइडिया दैट इज। एंड हेयर आर फॉरेस्ट एंशिएंट एज द हिल्स, और बहुत जबरदस्त टेक्निक, सजेस्टिवनेस की टेक्निक इस्तेमाल की है कि यहाँ पर फॉरेस्ट इतने पुराने थे जितनी के चट्टाने होती हैं। आपने चट्टानों को देखा है, रग्ड होती हैं, दरारें होती हैं, और चट्टानों को देख लगता है कि ये बहुत कदीम है, इनके ऊपर वक्त का प्रेशर है, कई सदियों का प्रेशर इन्होंने बर्दाश्त किया हुआ इन चट्टानों को, पता नहीं कब की है, कितनी कदीम है, जब से जमीन बनी है चट्टाने मौजूद होंगी। और वो जो फॉरेस्ट थे वो भी इतने कदीम थे जितनी कदीम चट्टाने हैं। सो हम खुद अंदाजा कर सकते हैं, सजेस्टिवनेस की टेक्निक लगा दिया उसने कि हो सकता है बहुत ट्विस्टेड किस्म के ट्रीज हों उसके अंदर, बहुत कदीम जो है फॉरेस्ट, उसके अंदर मेटेड बेले हों, कि बेल उसके अंदर इतनी ज्यादा बेल हों उसके अंदर, इतनी ज्यादा उसके ऊपर छतें बनी हुई हो बेलों की, दरख्तों के ऊपर, और गुजरने के रास्ते ना हों, टैमिया कालीसिया कदीम तरीन जस्ट, आप जस्ट आप अपने जहन में सोच सकते हैं कि व्हाट विल बी वेदर, बिकॉज दीज आर द एज एंशिएंट फॉरेस्ट एज द माउंटेन्स आर। अनफोल्डिंग बहुत ज्यादा, इनफोल्डिंग बहुत ज्यादा, सनी स्पॉट्स ऑफ ग्रीनरी, बहुत ज्यादा धूप से दमकते हुए स्पॉट्स, कत्ता टुकड़े ऑफ ग्रीनरी, सब्जे के यहाँ पर दमकते हुए टुकड़े थे। अब तक राइटर ने यह बताया है ज़ेनेडू के अंदर एल्फ रिवर बहता था, ज़ेनेडू के अंदर खुशबूदार दरख्त थे, ज़ेनेडू के अंदर एक प्लेयर डोम बनाने का हुक्म दिया गया था, ज़ेनेडू के अंदर बल खाती हुई नदियां मौजूद थी, ज़ेनेडू के अंदर धूप से चमकते हुए सब्जे के बड़े बड़े कतार थे। बटो एकदम पोइट को याद आया, देखिए फिर उसने टेक्निक लगाई है, और टेक्निक ये कि आपको आपके इस दुनिया से उसने कट ऑफ करके फिर दोबारा लेकर गया है एक नई ब्रेव वर्ल्ड के अंदर। बटो डीप रोमेंटिक कॉजम, लेकिन वो जो कदीम डीप, वो जो गहरा रोमेंटिक रोमानवी किस्म का कॉजम, कॉजम शगाफ जो था विच लॉन्टेड, जो ढलवान पर था डाउन नीचे की तरफ, द ग्रीन हिल, ग्रीन हिल पर वो जो रोमानवी शगाफ था, वो जो दिलचस्प किस्म का शगाफ था, वो जो चट्टान की ढलवान पर मौजूद था, ग्रीन हिल पर था, आसवर्ड ऑफ सैटर्न कवर, और वो सैटर्न स्नोबर के दरख्तों से ढके हुए उस सारे एरिया के पहलू में था, यानी कि पहाड़ के ऊपर बहुत ज्यादा स्नोबर के दरख्त हैं, स्नोबर के दरख्तों के झुंड के पहलू में एक बहुत बड़ा शगाफ है। As savage place, कोई वैश्याना जगह, as holy and enchanted, और वो इतनी मुकद्दस थी जितना कि वो enchanted, जितना कि वो शहर जगह थी। उस जगह को देखकर दो दो चीजें ज़हन में आती थी कि शहर कोई जादुई अमल नजर आता, कोई जादुई असर नजर आता था उस जगह पर, कोई जादुई जगह थी, एट द सेम टाइम मुकद्दस भी लगती थी। जैसे आप किसी कन्वेंट में, जैसे आप किसी मज़ार में जाते हैं, कोई ऐसा मज़ार जो बहुत टॉप पर है, किसी ऊंची जगह पर है, तो आपको एट द सेम टाइम होली भी लगती है वो जगह, एट द सेम टाइम वो सरदा भी है। इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है वो मज़ारों में से सखी सरवर का मज़ार है, देखा है ना बेटा, वो कितने मिस्टीरियस जगह पर है, कई जगह पर है, तो वहाँ जाकर एट द सेम टाइम यू फील हॉलीनेस, एट द सेम टाइम यू फील समथिंग एन्चेंटेड। As ever beneath the waning moon was haunted, ऐसी जगह से यूं लगता था जहां पर waning घटता हुआ पीला चांद जैसे यहां पर आता जाता रहता हो। घटता हुआ पीला चांद कैसा होता है, ये ऐसा होता है, वो देखें दस के बीच में से देखें, नजर आ रहा है, ऐसा लगता है जैसे यहां पर घटता हुआ पीला चांद आता जाता रहता हो। अब waning moon यानी कि चांद पूरा होने के बाद फिर घटना शुरू होता है ना, यानी कि तारीकी की तरफ जाना, मिस्ट्री की तरफ जा रही है एकदम, घटता हुआ पीला चांद सिर्फ जैसे आता जाता रहता हो यहाँ पर इस शगाफ के कोने पर, किनारे पर, एज पर। और ये जगह सहर अंगेज इसलिए भी लगती है, बाय वैमन वेलिंग फॉर हर डोमेन लवर, ऐसे लगता है जैसे यहाँ पर कोई वैमन
अपने किसी अफरीती महबूब की याद में मातम करती रहती हो। अब ये पूरी स्टोरी उसने दिमाग में रख दी है, जैसे किसी वैमन को किसी अफरीत से मोहब्बत हो गई हो, जैसे किसी वैमन को किसी दियो से मोहब्बत हो गई हो और वो दियो ना आया हो दोबारा, और वैमन रोजाना जाकर उस जगह के पर मातम करती हो, रोती रहती हो बाल खोल कर। ये फिर सजेस्टिवनेस की टेक्निक है, सजेस्टिवनेस टू सजेस्टिवनेस है। एक तो ये है कि वेलिंग वैमन जब रोती है तो हम वेलिंग वैमन को कंसिडर करते हैं कि वो किस तरह रोती होगी उस जगह पर बैठ कर, क्योंकि उसमें सजेस्टिवनेस की टेक्निक ये है कि उसको मोहब्बत किसी अफरीत के साथ हो गई है। अफरीत से मोहब्बत करने वाली वैमन रोती कैसे होगी, उसकी मोहब्बत कैसे होगी, ये एक सैर अंगेज चीज़ है। और वैमन का नक्शा में जहन में उभरता है और हम उसे बनाते हैं, तो अफरीत से डोमेन लेवल से सजेस्टिवनेस की टेक्निक आई किस तरफ, वैमन की तरफ। हमने वैमन को कंसिडर किया, वैमन को कंसिडर करने के बाद फिर दोबारा टेक्निक सजेस्टिवनेस की लगी, हमने वहां से ये कंसिडर करना है कि वो शगाव कैसा था। सजेस्टिवनेस टू सजेस्टिवनेस है, दो दो टेक्निक्स एक ही लाइन के अंदर लगा दी। एंड फ्रॉम दिस काजम, अब हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ काजम की, शगाफ की बात करेंगे नेक्स्ट आने वाली फोर लाइन्स में, फाइव लाइन्स। एंड फ्रॉम दिस काजम, और इस शगाफ में से विद सीजलेस टर्मोअल सीटिंग, इसके अंदर ना रुकने वाला सीजलेस टर्मोअल, एक फूटता हुआ उबलता हुआ सीटिंग, एक चश्मा था। सीटिंग का मतलब ही फूटना होता है, टर्मोअल का मतलब होता है पुरजोश, एक पुरजोश कोई चीज फूटती थी, यानी कि हमें अंदाजा हो गया है कोई ना रुकने वाली मुसलसल पुरजोश चश्मा इसमें से फूटता था। एज इफ दिस अर्थ इन फास्ट थिक पेंस वर ब्रीथिंग, हमें उसने नहीं बताया कि इस चश्मे का, इस टर्मोअल का साइज क्या है, कितना माल्टी है, कितना बड़ा चश्मा है, लेकिन सजेस्टिवनेस की टेक्निक ये लगाई है, कहते उस चश्मे को देखकर यूं लगता था जैसे जमीन लंबे लंबे मोटे मोटे और गहरे गहरे सांस यहां से ले रही हो। ये देखें, ये है चश्मा और चश्मे से पानी मुसलसल ये आ रहा है। राइटर को लगता है कि ये यूं नहीं है बल्कि जमीन यूं सांस ले रही है। और जिस जगह से जमीन सांस लेगी, यू कैन कंसीडर द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ, अर्थ की गोलाई और उसकी लंबाई और उसकी आप अंदाजा कर सकते हैं ये कितनी बड़ी जमीन है और इंसान कितना बड़ा है, उसका माउथ का साइज देख रहे हैं कितना बड़ा है, तो उसके जिसामत के लिहाज से जमीन कितनी बड़ी है तो उसका माउथ कितना बड़ा होगा जहां उसे सांस लेना है। एंड हाउ मच दैट वुड बी द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि ब्रीथ ही वहां से लेना है। सो मिस्ट्री, ग्रैंड मिस्ट्री इज ओवर देयर, एट द सेम टाइम मिस्ट्री ये है कि जमीन उससे सांस लेती है वो चश्मा इस जगह, एट द सेम टाइम सजेस्टिवनेस की टेक्निक ये है कि उसने कहा जमीन सांस ले रही है उस जगह से, अंदाजा कर सकते हैं कि वो पूरा का पूरा टर्मोअल चश्मा कितना बड़ा होगा। As if this earth in four sixteenths was breathing, a mighty fountain in momently was forced. और इस चश्मे के दरमियान में से एक मल्टी बहुत बड़ा फौरा मोमेंटली लम्हा ब लम्हा वॉज फोर्स्ड निकलता था। दोबारा सुनिए, ज़ेनाडू, ज़ेनाडू के अंदर ट्रीज फॉरेस्ट माउंटेन्स सैक्रेड रिवर प्लेयर डोम ये तमाम चीजों के अलावा एक माउंटेन के ऊपर एक बहुत बड़ा माइटी टर्मोअल है, टर्मोअल के अंदर से फौरा निकलता है और वो फौरा लम्हा ब लम्हा बाहर निकल रहा है। अमिट हू स्विफ्ट हाफ इंटरमिटेड बस्ट, अमिट और इस फौरे के दरमियान में से शगाफ, शगाफ में से चश्मा, चश्मे के अंदर से फौरा, और फौरे के अंदर क्या है, अमिट हू स्विफ्ट और इस फौरे के अंदर से स्विफ्ट तेजी के साथ हाफ आधा इंटरमिटेड आधी ताकत के साथ
ठहर ठहर कर ताकत के साथ बस निकलते थे क्या ह्यूज फ्रेगमेंट्स, बड़े बड़े टुकड़े। बड़े बड़े टुकड़े किस चीज के हो सकते हैं? पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े हो सकते हैं। काजम, काजम के अंदर टर्मोल, टर्मोल के अंदर फाउंटेन, फाउंटेन के अंदर से फ्रेगमेंट्स निकल रहे हैं। वोल्टेड जो बाहर आते थे, वोल्टेड उगलना उड़ना लाइक रिबाउंडिंग हेल, और ऐसे बाहर आते थे जैसे रिबाउंडिंग हेल होती है। देखो ये औला गिरा जमीन पर, औला गिरना और बात है, औला का रिबाउंड होना और बात है। औला ऐसे गिरता है जमीन पर, ये जमीन पर टकराया, टकराने के बाद ये जो उठता है यहाँ पर इस चश्मे के फौरे के अंदर से वो पत्थर जो है यूं निकल रहे थे। ये एंगल था उनका, ऐसे था कि जैसे औला गिरता है और यूं निकलता है, ये वाला एंगल है। या जिस तरह थ्रेशर के नीचे दाने गिरते हैं, गिरने के बाद यूं उठते हैं, सेम वाज द केस ऑफ दीज स्टोन्स, ऑफ दीज फ्रेगमेंट्स, ऑफ दीज रॉक्स विच वर कमिंग। और चेफी ग्रेन बीनीथ द थ्रेशर्स फ्लॉल, या जिस तरह भूसेदार दाने बीनीथ नीचे द थ्रेशर्स फ्लॉल, थ्रेशर जब उनको बीट कर रही होती है, मार रही होती है, थ्रश कर रही होती है, जब दाने नीचे गिर के फिर दोबारा रिबाउंड होते हैं, ऐसे ही पत्थर उस फुहारे के अंदर से रिबाउंड हो रहे हैं। एंड मिड दिस डांसिंग रॉक्स, और इन रॉक्स करती हुई रॉक्स के दरमियान में से एट वंस एंड एवर, हमेशा हमेशा और यक बार, इट फ्लंग अप मेंट द सेक्रेट रिवर, वो मुकद्दस दरिया दरमियान में बहता रहता था। रक्स करती हुई चट्टानों के अंदर से मुकद्दस दरिया बहता रहता था। हालांकि दरिया जो जा रहा है सेक्रेट रिवर, वो ये मूव कर रहा है, बल खाता हुआ जा रहा है, बट ही इज थिंकिंग दैट द दिस सेक्रेट रिवर इज स्टेट, एक्चुअली द रॉक्स विच आर स्टैंडिंग बाय द साइड ऑफ दिस रिवर दे आर डांसिंग। फाइव माइल्स मैंडरिन विद अमेजी मोशन, और पांच मील के रास्ते पर मैंडरिन, पांच मील के रास्ते पर माइल्स मैंडरिन विद अमेजी मोशन। मैंडरिन का मतलब है लहराते हुए रास्ते पर, पांच मील के लहराते हुए रास्ते पर विद अमेजी मोशन, बल खाते हुए अंदाज में ये रिवर बह रहा, लहराते हुए रास्ते पर बल खाते हुए ये रिवर बह रहा था। रास्ते भी उसको लग रहे हैं कि इज इन ड्रीम विद इन अ ड्रीम ऑफ हिम टेम्परेचर ड्रीम एंड स्लीपिंग ऑल थिंग्स आर मिंगल्ड, सो उसे लगता है रास्ते भी ऐसे बल खाते हुए जा रहे हैं। थ्रू वुड एंड डेल द सेक्रेड रिवर, है जंगलों के अंदर से और फूलों की लदी हुई वादियों के अंदर से ये मुकद्दस दरिया बहता जा रहा था। दरिया हो और मुकद्दस हो और फूलों से लदी हुई वादियों के अंदर से गुजरे, कंसीडर करें कि क्या चीज़ होगा, कितना मज़ा आएगा। आप उसे किनारे पर बैठकर हाथ डालें तो पानी शफाफ हो, आपके हाथ में फूल आए, ठीक है, कितना दिलचस्प होगा। और वो जब जंगलों के अंदर से गुजरेगा, वो जब जंगलों के अंदर से गुजरेगा तो सोचें कितनी ज़्यादा जड़ी बूटियों और कितने दरख्तों का एसेंस अपने साथ लिए हुए होगा वो दरिया, कितनी डिजीज़ का क्योर लिए हुए होगा वो दरिया। उस दरिया में नहाने वाला जो शख्स होगा उसे वाकई शफा मिलेगी। डू यू नो दैट कि साफ रिवर्स के अंदर नहाने से शफा मिलती है। जिनको दाने निकल आते हैं वो जिनका क्योर नहीं होता ना, वो ऐसी जो जंगलों के अंदर से या जो दही इलाकों से गुजरने वाली नहरें हैं उनके अंदर जाके दो दो घंटे बैठते हैं और ये क्योर होता है, और उनकी वो जख्मों के अंदर से चूस लेता है पानी। मैंने अपने वाले साहब से पूछा कि ये क्या टेक्निक है, उनने कहा ये पानी जो होता है ये कई जड़ी बूटियों का से को मिक्स करके आता है, पता नहीं कहाँ कहाँ पहाड़ों से क्या क्या चीज़ों को से गुजर कर आता है, तो इसके अंदर ज़बरदस्त किस्म की ट्रीटमेंट मौजूद होती है, हर हर्ब को छू कराता है वो, उसका एसेंस उसमें मौजूद होता है।
तो ये दरिया मुकद्दस दरिया, दरिया मुकद्दस जैसे गंगा है, गंगा जब गंदी होगी ना वहां, देखते हैं पहले एक वक्त में गंगा मुकद्दस कैसे हुई, बुधाने से मुकद्दस जाना, क्योंकि उसकी लोकेलिटी नहीं थी। आप जब आपको टीवी में दिखा रहे थे गंद होता है वहां पर सारा का सारा, उसमें मुकद्दस इसलिए थी कि उसका जो नहाता था उसे शफा मिलती थी। नहीं भाजी ये बस म्यूजिक है पीछे बैकग्राउंड। ओके ये फूलों से लदी हुई वादियों के अंदर से जंगलात से गुजरता हुआ ये मुकद्दस दरिया जा रहा था। Then be the heaven my last man, फिर मिस्ट्री वाला कर रहा है और फिर पहुंच जाता है नाकाबले तमैश गारों के अंदर ये दरिया। देखिए दरिया बाहर आता है, ये चश्मा बाहर आता है, दरिया बाहर आता है, दरिया फिर गारों में चले जाता है, दरिया फिर निकल आता है। एंड सैंक इन थमल्ट, और फिर थमल्ट शोर मचाता हुआ टू अ लाइफलेस ओशन, और बेहिस हरकत समंदर के अंदर जाकर गिर जाता है। समंदर, और समंदर अगर लाइफलेस हो जाए, उसके अंदर उछाल ना हो, वो ऐसे ठहरा हुआ हो जैसे स्टीम फैली हुई होती है, उसके अंदर मिस्ट्री है कि समंदर खामोशी क्या चाहता है। बिल्कुल ठहरा हुआ है समंदर, और ये दरिया शोर मचाता हुआ लाइफलेस ओशन में गिर जाता है। एंड मिड दिस थमल्ट, और इस थमल्ट के अंदर से, थमल्ट मीन इस शोर के अंदर से, कुबलाई हर्ड फ्रॉम फॉर एंसेस्ट्रल वॉइसेस, कुबलाई खान एंसेस्ट्रल वॉइसेस सुनता है, अपने अबाव अजदाद की आवाजें सुनता है, प्रोफेशन वार जो जंग की पेशन कोई कर रहे होते हैं। आप देखें किस तरह जबरदस्त किस्म की मिस्ट्री इस्तेमाल की गई है, वो शोर महज शोर नहीं है, उस शोर के अंदर से कुबलाई खान को अपने अबाव अजदाद की आवाजें आती हैं, और वो आवाजें फिर मिस्ट्री टू मिस्ट्री क्या है, वो आवाजें क्या है, प्रोफेसी की आवाजें, और प्रोफेसी आप जानते हैं कितनी मिस्टीरियस होती है। तो ये मिस्ट्री का डबल स्ट्रोक है। द शेडो ऑफ द डोम ऑफ प्लेयर, और उस प्लेयर डोम का, उस इश्त कदे का जो शेडो था, फ्लोटेड मिड बॉय ऑन द वेव्स, वो इन लहरों के ऊपर तैरता रहता था। कहने का मतलब ये है कि ये जो प्लेयर डोम था ये सैक्रेड रिवर के साथ ठहरा हुआ था, करीब था। वेयर वॉज हियर द मिंगल्ड मयर्स, जहां से मिंगल मिक्स आवाजें आती थी, मयर्स का मतलब यहाँ पर आवाजें हैं, फ्रॉम द फाउंटेन एंड द केव्स, और यहाँ पर फाउंटेन की केव्स की आवाजें आती थी। तो आप ये चीज़ एक नोट करें, यहाँ पर एक राइटर ने बहुत ज़बरदस्त किस्म का उसका जहन ने काम किया है, उसे तमाम चीज़ों को करीब कर दिया है। रिवर, रिवर की एज पर क्या है, प्लेयर डोम, और प्लेयर डोम के करीब अगर आप ठहरे हुए हो तो आपको फुहारे का शोर आता है और गारों का शोर आता है। इट्स मीन दीज ऑल थिंग्स आर वेरी नियर टू ईच अदर, बहुत करीब करीब है, क्योंकि इसी सीन को उसने आसमान पर खड़ा करना है ना, तो वो सीन बिल्कुल करीब ला रहा है, सारी चीजें करीब करीब ला रहा है। फ्रॉम द फाउंटेन एंड द केव्स, इट वॉज अ मिरेकल ऑफ रेयर डिवाइस, ये एक मिरेकल मौजदा था, ऑफ रेयर डिवाइस, किसी नायाब चीज का मौजदा था। ये जगह ऐसी लगती थी जैसे कोई मौजदा हो, क्या बड़ा मौजदा है यहाँ पर, अ सनी प्लेयर डोम विद केव्स ऑफ आइस, ये वो चीज है जो आप लोग पहुंचना चाहता था कि एक सनी धूप से चमकता हुआ एक प्लेयर डोम था और उसके साथ बर्फ से ढकी हुई गारे थी। नाउ यू कैन इमेजिन रिवर फुल ऑफ लाइफ, फाउंटेन फुल ऑफ लाइफ, एंड कॉजम फुल ऑफ मिस्ट्री, हॉरर, हॉलीनेस, एंड रिवर इज ऑल्सो हॉली, प्लेयर डोम इज ओवर देयर, देयर देयर वुड बी नो इलनेस, नो सिकनेस, ओनली प्लेयर वुड बी ओवर देयर इन इट, एंड विद इट देयर इज अ केस ऑफ आई। ये सारी चीजें एक जगह पर इकट्ठी हो गई और ये वाकई मौजूदा है, ऐसी चीजें सारी एक जगह पर मिल जाए। नाउ यू आर इन द 21st century, यू हैव द बिगेस्ट फैसिलिटी ऑफ टीवी नाउ, एंड अ लॉट ऑफ चैनल्स आर ओवर देयर, एंड एनिमल चैनल इज ओवर देयर एज वेल एज देयर इज सम DW, एंड देयर इज आल्सो सम डिस्कवरी, यू हैव सीन अ लॉट ऑफ सीन्स नाउ,
And you consider that when there were not movies and there were not TV, other things, उन दिनों में ये पीस जो है लिख दिया है, ये कितना कमाल होगा कि एक रीडर जब उस चीज को पढ़ता होगा तो वो किससे इंस्टॉल्ड हो जाता होगा इस दुनिया से, उसके सामने जाती होगी सारा विजन उसका, वो ट्रेवल करता होगा उसके अंदर, महसूस करता होगा। तो आज भी ये चीज इंस्टॉल करते तो उस वक्त कितनी कमाल होगी। यहाँ पर उसके दोस्त की एंट्री हुई, रिदम टूट गया, वापस गया, पोएम को एक नए तरीके से एंडिंग दे दी उसने, और उसने विलियम बॉब्स से उसने वर्ड्सवर्थ से उसने कंपेयर कर दी पोएम को, उसके सिलेक्टेड रीपर से कंपेयर जाके कर दी। अभी आपको ये पता चल गया है कि ज़ेनेडू इलाके के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, और स्पेशली एक प्लेयर डोम जो रिवर के किनारे है, उसके साथ केव्स ऑफ आइस हैं, और साथ उसके फाउंटेन है, साथ काजम है, और ये सारा रीजन जो है इंतहाई फर्टाइल है, धूप से चमकती हुए वहाँ पर कतात हैं और वहाँ पर बल खाती हुई नदियाँ हैं। ये सीन क्रिएट हो गया है। अब उसके बाद अगली बात शुरू करने लगा है, कहता है अ डैमसेल विद अ डल सिमर। एक मैंने डैमसेल को देखा, एक दोशीजा को देखा, डल सिमर जिसके पास डल सिमर था। डल सिमर एक पियानो की तरह का एक इंस्ट्रूमेंट है म्यूजिकल, जो समझे कि आपके सामने अगर 3 फुट 4 फुट का एक तख्ता रख दिया जाए जो कि 1.5 फुट चौड़ा हो, तख्ता रख दिया जाए, उसके ऊपर बटन लगे हुए हों, स्ट्रिंग्स लगी हुई हों, और आपके हाथ में दो छोटे छोटे लकड़ियाँ थमा दी जाएं, और अगर आप ऐसे ऐसे उसे ऊपर नीचे बजाते रहें तो वो दुलसिमर है, पियानो की तरह का सामने रख के ऐसे बजाया जाता है। एक डोमसल को हाथ भी ऐसे होता है क्या, तो हाथ में यूं करके बजाते हैं उसको, वो हार्प है, आई थिंक सो वो हार्प है, ये सामने है तख्ता है उसके बस स्टैंड लगी हुई ऐसे जब बजाते हैं। आसमा है नहीं आपके पास दुलसिमर है तो ले आना कल, मुनीब वो कह के बजाएगी, शबीना वो कहेंगे वो ख्वाब देखेगी और कहेंगे इन्ना वी एन वन साइज था मुनीबा, एन अवियन वंश ऐसा ख्वाब के अंदर एक बार मैंने देखा। पूरी पोएम ऐसा लगता है जैसे ड्रीम हो, ये पूरी पोएम ड्रीम है, उस ड्रीम के अंदर पोएट कहता है कि मैंने ड्रीम देखा। पूरी पोएम क्या है, ड्रीम ही है ना, ख्वाब ही ना, उसके जहन के अंदर जो चल रहा है उसको लिखे जा रहा है। हाँ हाँ ऐसे बिल्कुल ऐसी कंडीशन है, और वो कहते हैं मैंने एक बार ख्वाब में देखा, हालांकि उसकी सारी पिछली पोएम ड्रीम लाइक है, उसके लिए फिर कहते हैं कि मैंने एक ड्रीम देखा। तो पूरी पोएम को मैं कहता हूँ ड्रीम विद इन अ ड्रीम, एक बार ख्वाब के अंदर मैंने देखा है डुलसिमर, एक डैमसल को जो कि अपने डुलसिमर को प्ले कर रही थी। इट वॉज एन एबिसिनियन मेड, फिर मिस्ट्री पैदा की है कि ये एबिसिनियन मेड थी, और ये एबिसिनियन हबशी जो वेमन होती हैं दे आर वेरी मिस्टीरियस, स्पेशली दे आर एक्सपर्ट इन विच क्राफ्ट, कि ये विचरी बहुत ज़्यादा करती हैं, ये जादू टोने बड़े करती हैं जो हबशी वेमन होती हैं। तो उसने फिर कहा एबिसिनियन वेमन को मैंने देखा, फिर उसने वेमन के अंदर मिस्ट्री पैदा कर दी है। एंड नाउ नॉट डुलसिमर शी प्लेड, डुलसिमर पर प्ले कर रही थी सिंगिंग ऑफ माउंट ओबरा, और वो गीत गा रही थी माउंट ओबरा का। दैट इज अगेन द बोल्ड आइडिया इज ओवर देयर, दैट इज अगेन अ मिस्ट्री इज ओवर देयर, बट कि गीत जो गए माउंट ओबरा का, सुने माउंट ओबरा क्या होता है, एक पहाड़ का नाम है, बुलंद पहाड़ है, पहाड़ के अंदर कितनी मिस्ट्रीज होती हैं, हैव यू कंसीडर्ड, दरख्त होते हैं, नदियाँ होती हैं, उसके अंदर चश्मे होते हैं, उसके अंदर उस पहाड़ के अंदर सब्जा होता है, उसके अंदर कितने एनिमल्स होते हैं, डेंजरस मतलब एनिमल भी उसके अंदर होते हैं, कितने परिंदे रहते हैं, व्हाट अ मिस्ट्री इज ओवर देयर। तो वो माउंट ओबरा का गीत गा रही है। तो ओवरऑल क्या होता है, ये हमें अगर हम सजेस्ट ना भी करें, हम अगर ना भी सोचें इन चीज़ों के बारे में, तो वैसे भी एक जो रिदम चल रही होती है टोटल, उस रिदम के अंदर मिस्ट्री हॉरर और सारी चीज़ें उसके अंदर रिदम के अंदर मूव कर रही होती हैं। तो एक आम कर जब उसको नेटिव स्पीकर जब उसको रीड करता है तो फुल एंजॉय करता है, उसे पता नहीं चलता कि मेरे साथ क्या हुआ है,
और वो इंथ्रॉल्ड हो जाता है जस्ट। कोट आई रिवाइव वेजन मी, अगर मैं अपने अंदर उसको रिवाइव कर लेता उस रिदम को, हर सिम्फनी 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 उसके सांस को एंड सांग और उसके गीत को, अगर मैं उसकी रिदम को और उसके गीत को मैं अपने जहन में एक बार रिवाइव कर लूं, तो सच अ डीप लाइट दैट वुड विन मी, तो एक ऐसी खुशी मुझे जीत लेगी, एक ऐसी डिलाइट होगी जो मेरे मन को मोह लेगी, मैं इंथ्रॉल्ड हो जाऊंगा। इंसान कोई मौजदा उसी वक्त परफॉर्म करता है जब वो इंथ्रॉल्ड हो जाता है। हम अक्सर कहते हैं ये फिलहाल बुजुर्ग ने फिलहाल मौजदा दिखाया तो वो वजदान में आ गए थे। वजदान का लफ्ज क्यों इस्तेमाल करते हैं, एक्चुअली एक स्टेट ऑफ माइंड में आ जाते हैं। अगर मैं उस गीत को एक बार रिवाइव कर लूं, उस सिम्फनी को रिवाइव कर लूं, तो एक ऐसी खुशी मुझे जीत लेगी, मैं कैसे स्टेट ऑफ माइंड में आ जाऊंगा, उसमें मैं क्या कर जाऊंगा, दैट विद म्यूजिक लाउड एंड लॉन्ग, इस ऊंचे स्वर के और लॉन्ग म्यूजिक के साथ, आई वुड बिल्ड दैट डोम इन एयर, मैं हवा के अंदर वहीं इश्शत का दत्त खड़ा कर दूंगा, तामीर कर दूंगा हवा के अंदर, दैट सनी डोम, वहीं धूप से चमकता हुआ सनी डोम, Those caves of ice, और वहीं मैं बर्फ से ढकी हुई गारों को हवा के अंदर खड़ा कर दूंगा, And all who heard should see them there, और जो भी उस गीत को सुनता जाएगा वो उसको वहां पर देखता जाएगा। विलियम वॉब्स की इस लेटरी पर गीत गाती है तो पोएट कहता है मैंने अपने दिल में रख लिया वो आवाज और हमेशा हमेशा के लिए कैद कर ली है। एस टी कॉलेज की एबिसिनियन गर्ल गीत गा रही है तो सिर्फ उस गीत को जब वो ख्वाब में देखा है, वो उसे अपनी नेकेड आईज से देखा है, इसने ख्वाब में देखा है, ख्वाब वाला वो गीत सिर्फ एकदम रिवाइव कर ले, उसने कहा मेरे दिल में मौजूद है, ये कहते हैं मैं एक बार रिवाइव कर लूँ तो ऐसा इंसान हो जाऊंगा कि मैं उस केव ऑफ आइस के साथ उस डोम को हवा में खड़ा कर दूंगा, और सिर्फ खड़ा नहीं करूंगा, जो जो उस गीत को सुनता जाएगा वो उस डोम को उस मौजदे को वहां देखता जाएगा। दैट इज अगेन मिरेकल टू मिरेकल, कौन सा मिरेकल, पहले तो वो रेयर डिवाइस का मिरेकल है कि ऐसी बर्फ की गारों के साथ ब्लेज करता हुआ एक प्लेयर डोम मौजदा है, उस मौजदे को फिर हवा में खड़ा कर देना उससे बड़ा मौजदा है जो कि एसटी कॉलेज परफॉर्म करना चाहता है, सिर्फ अगर वो रिदम और रिदम से उसके माइंड में अगर आ जाए तो। एंड ऑल हू हियर शुड सी देम देयर एंड ऑल शुड क्राई बी अवेयर, और तमाम लोग चीख उठेंगे, रोने लग जाएंगे, कहेंगे वो खबरदार इससे एहतियात करो, हिज फ्लैशिंग आईज, इसकी चमकती हुई आंखें, हिज फ्लोटिंग एयर, इसके फड़फड़ाते हुए बाल, वे सर्कल राउंड हिम थ्राइस, इस शख्स के गिर तीन मरतबा कोई चीज पढ़कर दायरा खींच दो ताकि इस जादू इसका बार ना आ जाए, नुकसान ना कर दे, ये क्योंकि वजदान में आ चुका है। And close your eyes with holy dread, और अपने holy dread के साथ और मुकद्दस तरीन खौफ के साथ अपनी आंखों को बंद कर लो। He is not going to be vulgar, but all are saying be aware, he is something precious, he is something sacred one man is, because he has done something miracle in the air by this voice. With holy dread, for he on honeydew has sat, and all will say he has eaten honeydew. Honey, shahd muqaddas hoti hai. Dew, shahd muqaddas hoti hai na? Dew kya? Shabnam mein muqaddas hoti hai. Intahai pakiza tareen shahd isne khayi hai. Isne intahai pakiza tareen shahd khayi hai. And drunk the milk of paradise, और इसने जन्नत का दूध पिया हुआ है। Now, you have read that was a very beautiful imagery, very brave new world was over there. You have enjoyed well this all seen these. And what was the plot? Plot was also over there, but there is no moral. Moral is not over there. Just there is something, a plot is over there, maybe you can say.
There is something you can say a theme is over there, some people say. कोई थीम इसके अंदर है. पीपल आर थिंकिंग दैट कि ये जो कुबलाई खान है, ये मैं जिस बात कर रहा हूँ ये सारी वेस्टर्न पीपल सोचते हैं ऐसा. ठीक है, कुबलाई खान जो है वो कहते हैं कि ही इज अ गॉड, जी छोटे वाला देवता. कुबलाई खान क्या है? देवता है. इस देवता के कब्जे में जेनेडू है, वो सारी टेरिटरी है, सारा इलाका है. कुबलाई खान की मलकियत में, पोजीशन में वो सारा एरिया है जेनेडू. कितनी कमाल चीजें उसके अंदर है. देवता है तो देवता के पास कब्जे में कमाल तरीन, इट्स मीन दैट ऐसा लगता है जैसे वो देवता है और वो उसकी जन्नत है जेनेडू. इतनी खूबसूरती उसने दिखाई है उसके अंदर. आई थिंक इट वॉज लाइक अ पैराडाइज. है ना, कुबलाई खान इज जस्ट लाइक अ देवता. एंड देयर द व्यू ऑफ द वेस्टर्न क्रिटिक्स. और वो जो चलो ओके जी, अजान सुन लें, अजान का सुनना लाजमी है, वाजिब है. Attention please. If the Kublai Khan is a devta and Xanadu is a paradise, so the poet want to say that this paradise is nothing. ये पैराडाइज तो इंसान के साथ इतने से अमल में है कि मैं एक रिदम को अगर रिवाइव कर लूं तो मैं पूरे की पूरी जगह पैराडाइज के साथ हवा में खड़ी कर दूंगा. एक रिदम के इंसान के अंदर ये क्वालिटीज मौजूद है. इंसान के अंदर ऐसी भी ऐसी चीजें नेचर ने रखी हुई है कि तमाम चश्मे टूटते यहीं से हैं. यही मालिक है हर चीज का. और देवताओं की पैराडाइज को उठाकर ये फिजा के अंदर खड़ी कर देगा ऐसे. और एक रिदम की बलबोते पर वो रिदम जो उसने ख्वाब में देखी हो, ख्वाब में सुनी हो, अलाइव भी ना सुनी हो, इतनी कंफ्यूज रिदम वो अगर एक बार रिवाइव कर ले सिर्फ उसके जहन में आ जाए और उन तमाम लोगों को वो मौजा दिखा देगा और लोग कह देंगे
the authority of the God is shifted now. Authority of the Devta, God means Devta, shifted now. अब देखे कि एंड पर कुबलाई खान सॉरी एंड पर एसटी काले क्या कहता है कि बी अवेयर राउंड एंड थ्राइस सर्कल दो, तो उसके बाद उसकी फ्लैशिंग आईज, उसके फ्लैटरिंग एयर, और ये कोई मुकद्दस शख्स है, और हॉली डेट के साथ आंखें बंद कर लो, यानी कि सर को सलीम खम कर लो इसके आगे, और उसके बाद क्या करो, वो कहते कि इसने जन्नत का दूध पिया है, इसने मुकद्दस शहद खाया है. ठीक. सो एक्चुअली some critics think that there is also a competition maybe, or maybe the power shifting is over there something, and he is defeating the Devta, and he is bringing this thing in the air by his own power of imagination maybe. Again I'm saying power of imagination.